हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीआरएक्स शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन के बारे में। मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, जैसे कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी कंपनी इसको बनाती है, कितने रुपये में ये मिलता है, क्या इसके साइड इफेक्ट रहते हैं, क्या इसकी डोज रहती है, कैसे इसको लगाना होता है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मोनोसेफ एसबी, इसके अंदर दो साल्ट होते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक तो होता है सेफ्ट्रिएक्सोन जो कि 1 ग्राम में होता है, दूसरा होता है इसके अंदर साल्वेक्टम जो कि 500 mg में होता है। टोटल मिलाकर ये बनता है 1.5 ग्राम का, 1.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन। और मोनोसेफ के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, आपको अगर देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों जो सेफ्ट्रिएक्सोन होता है वो होता है सेफालोस्पोरिन कैटेगरी का एक एंटीबायोटिक दवा होती है। इस एंटीबायोटिक में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, उसी में एक कैटेगरी आती है सेफालोस्पोरिन, तो उसी कैटेगरी का ये सेफ्ट्रिएक्सोन होता है। और साल्वेक्टम जो होता है, इसका जो वर्क होता है, इसका जो काम होता है दोस्तों, वो होता है कि इनहांस एक्टिविटी कराना, मतलब जो सेफ्ट्रिएक्सोन की एक्टिविटी है उसको बढ़ा देना या फिर रेसिस्टेंट होने से बचाना इसको। तो ये क्या करता है, ये इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको जो बनाया है वो बनाया अरिस्टो फार्मा ने, है मैन्युफैक्चर किया है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 190 रुपये में आपको मिल जाता है मार्केट में, 190 रुपये में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा क्योंकि बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है। पैकिंग जो आती है इसकी इस टाइप की आती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कांच की बोतल में पाउडर की फॉर्म में आता है दोस्तों। एक कांच का बोतल होता है इस तरीके का, उसके अंदर पाउडर भरा हुआ होता है। तो उस पाउडर में जो है, इसके साथ ही एक वाटर मिलता है जो कि डिस्टिल वाटर होता है, तो उसको इसके अंदर मिक्स कराया जाता है। उसके बाद उसको हिलाने के बाद फिर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके रूट जो होता है वो IV और IM दोनों ही इसको लगाया जाता है, मतलब इंट्रावेनस भी लगाया जाता है इसको वेंस में, और इंट्रामस्कुलर भी लगाया जाता है मांस में, तो दोनों रूट से इसको लगाया जाता है। अब इसके यूज़ की बात करें दोस्तों, तो इसका जो यूज़ होता है, जैसे कि ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, तो जहाँ जहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उस सभी जगहों पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में, किल करने में बैक्टीरिया को इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे कि कोई स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, इसमें फोड़े आ जाता, फुंसी आ जाता, स्किन पर कोई और इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से जो होता है, तो उसमें सभी में इसको लगाया जाता है। इसके अलावा फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है जिसमें उसको कोई लंग्स का कोई इन्फेक्शन है फेफड़ों में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। फिर हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, UTI को इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें पेशाब में जलन होता है, पेशाब करते टाइम दर्द होता है और उसको जलन से पेशाब आता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। फिर पेट में उसके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको लगाया जाता है। खांसी है किसी को, सर्दी है, तो भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। फिर टाइफाइड बुखार है किसी को, तो टाइफाइड बुखार में भी इस इंजेक्शन को काफ़ी इस्तेमाल में लिया जाता है। दिमागी बुखार है किसी को, या फिर नाक कान या फिर उसके गले में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, या फिर खून में उसके कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा किसी का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद उसको ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसका जख्म जल्दी से सूख सके, खुश्क हो सके। किसी को जल जाता है, बर्न हो जाता है उसके स्किन उस्किन पर, तो भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और पुराने से पुराने जख्म को सुखाने के लिए भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर इसको इंजेक्शन को लगवाता हो, तो उसमें कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उसको चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती हैं, उल्टी जैसा मन हो सकता है उसका, नोजिया वॉमिटिंग, सिर दर्द हो सकता है, उसके शरीर पर खुजली सी हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, रेशिश आ सकते हैं, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इससे हटकर भी अगर कोई और साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आपके डॉक्टर जो है आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, या फिर ये दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है ये डॉक्टर के रेक डेक में ही लगाना होता है क्योंकि डॉक्टर इसको खुद लगाते हैं, आप इसको घर पर ना लगवाएं या फिर खुद से इसका इस्तेमाल ना करें, आप डॉक्टर की सलाह पर ही इस इंजेक्शन को लगाएं। इसकी डोज की बात करें तो डोज जो है वो डिपेंड रहती है पेशेंट की एज, वेट, सीवियरिटी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड रहती है।
जनरली जो इसकी डोज होती है वो बीडी इसको दिया जाता है, मतलब सुबह शाम इसको लगाया जाता है, एक एडल्ट जो डोज होती है इसकी, एडल्ट डोज। तो इसको डॉक्टर की रेख देख में लगाया जाता है, बाकी डॉक्टर जो अपने पेशेंट की कंडीशन देखकर सब कुछ देखकर इसको लगाते हैं कि कितना लगाना। जनरली बीडी लगाया जाता है और ओडी भी लगाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अगर किसी को एलर्जी है सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी के दवाओं से तो वो इस दवा को या फिर इस इंजेक्शन को नहीं लगवाए, और बाकी इसके कोई खास कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो दोस्तों ये हमने आपको मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।